हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट छठा, ये छठा प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर पांच लिखा हुआ है, तो प्रैक्टिस सेट 6 है ये। और इससे पहले पांच प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किए हैं और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछे गए थे, ठीक है। और ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरा 100 क्वेश्चन का सेट नहीं लिया है, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वही लिए हैं, जैसे 10 क्वेश्चन आपके एरर से और आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS और EDMs हो गए आपके, 10 नंबर के आपके इसमें एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैंने इसमें उठाए हैं और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आपका बेनिफिट होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको खुद से ही सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। और PDF आप इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखे हुए हैं एरर, तो एरर फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके आपको सबसे पहले खुद से ही सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आई यूज टू बंक क्लासेस टू स्नीक इन द लाइब्रेरी एंड मोस्ट ऑफ माई क्लास नोटबुक्स वर फिल्ड विद पोएम्स एंड एसे, आगे लिखा हुआ है नो एरर। तो देखिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर आई यूज टू, लेकिन बात चली है पास्ट की, पास्ट की यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब फील्ड, तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए, पास्ट की आदत को दिखाने के लिए यूज टू का यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ करते हैं यूज्ड टू, ठीक है। तो यूज टू के स्थान पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूज्ड टू, क्योंकि आगे हमें पता चल रहा है कि बात क्या पास्ट की चल रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एट वन हैंड शी वॉज इलेटेड दैट शी हैड फाइनली डिस्कवर्ड हर पैशन, तो इसमें आपको बताना है इसमें क्या एरर है। देखिए, एट द वन हैंड नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर मीनिंग होता है ऑन द वन हैंड, तो ये आपका एरर था यहाँ पर, एट द वन हैंड नहीं होता है, ऑन द वन हैंड सही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच वेरी मच इज, देखिए विच वेरी मच इज ट्राइंग टू फिट राउंड पैग्स इन स्क्वायर होल्स, तो इसमें आपको बताना है। देखिए, इसमें ए पार्ट में एरर है, बट मुझे क्लियरली नहीं पता चल रहा है इसमें कि इसका एरर क्या है, ठीक है। तो ए पार्ट में इसमें एरर दिया हुआ है, विच वेरी मच यहाँ पर एरर है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, तो आप इसको देख लेना एक बार, मुझे क्लियरली इसमें पता नहीं चला, ठीक है। 104 नंबर पर देखते हैं, ऑल्दो इट इज फॉर लेस कॉमन इन द एटमोसफियर देन कार्बन डाइऑक्साइड, आगे लिखा हुआ है इट हैज 20 टाइम्स द एबिलिटी हीट ट्रैपिंग, तो इसमें आपको बताना है क्या एरर है। देखिए, इसमें क्या एरर है, यहाँ पर एरर इसमें ये है कि इसमें जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्दो, ऑल्दो का पेयर किसके साथ बनता है, ऑल्दो का पेयर बनता है येट, ठीक है। ऑल्दो अगर स्टार्टिंग हुआ है ऑल्दो से सेंटेंस, तो उसमें बीच में हमें येट का प्रयोग करना पड़ेगा अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज, इट हैज को जोड़ने के लिए, मतलब यहाँ से आगे जोड़ने के लिए यहाँ पर येट का यूज करना पड़ेगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो यहाँ पर इट हैज 20 टाइम्स से पहले मुझे लगाना पड़ेगा येट, तो येट इट हैज 20 टाइम्स, ये आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 105 नंबर पर लिखा हुआ है इट इज एस्टिमेटेड दैट काउज माइट बी मोर, आगे लिखा हुआ है डेंजरस टू ए अर्थ एटमोसफियर देन ट्रक्स एंड कार्स कंबाइंड, आगे लिखा हुआ है नो एरर। तो इस क्वेश्चन में आपको एरर बताना है, ये एरर थोड़ी टफ थी इस वाले सेट में, लेकिन आगे जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं। चलिए, इसमें बताइए आप एरर, तो इसमें जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, ए का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, अर्थ से पहले हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। ए का यूज़ नहीं करेंगे, अर्थ के पहले दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। द अर्थ एटमोसफियर, ठीक है, मतलब हैवीली बॉडी के लिए भी यूज़ करते हैं दा का, और डेफिनेट चीज़ों के लिए तो दा का यूज़ करते ही हैं। और यहाँ पर अर्थ एटमोसफियर की बात चल रही है, और जो संसार में केवल एक चीज़ होती है, मतलब मात्र एक चीज़ हो,
उसके लिए भी द का यूज करते हैं क्योंकि वो डेफिनेट होती है, ठीक है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, तो यहां पर द का यूज होगा न कि ए का। ओके, आगे है, लास्ट वीक आई मेड ए लिस्ट ऑफ 10 क्लासिक्स, दोज बैक फॉर ग्रेट रीड्स एंड ए फ्यू ऑफ माई सन्स फेवरेट्स। तो इसमें आपको बताना है इसमें क्या आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर रीड्स नहीं होगा, रीड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, रीड्स के स्थान पर रीड का यूज यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट दैट द इंटरव्यू पैनल माई नॉट एग्री विद ए ओपिनियंस, तो विद ए ओपिनियंस आगे लिखा हुआ है, दैट यू प्रेजेंट टू देम, और आगे है नो एरर, तो इसमें आपको बताना है इसमें क्या एरर है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ए ओपिनियंस, आपको पता है कि प्लूरल नाउन के पहले ए का यूज नहीं करते हैं, तो ए ओपिनियंस यहां पर नहीं यूज होगा, इसके स्थान पर कर देंगे द ओपिनियंस। ठीक है, तो ए के स्थान पर क्या लिख देंगे यहां पर द, चूंकि यहां पर प्लूरल नाउन लिखा हुआ है और प्लूरल नाउन के पहले ए का यूज नहीं करते हैं, तो ए के स्थान पर क्या लिखा जाएगा यहां पर आर्टिकल द। ठीक है, आगे है, यहां पर देखिए आगे लिखा हुआ है, प्राइस थियोराइजेस दैट इफ ही इज एट वन एक्सट्रीम एंड ऑफ एन स्पेक्ट्रम, आगे लिखा हुआ है, देन परहैप्स देयर इज समबडी एट द अदर एंड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्राइस थ्योरीज के बारे में बताया गया है, और इफ से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब इफ ही इज एट वन एक्सट्रीम एंड ऑफ एन स्पेक्ट्रम, ये एक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर जो परहैप्स लिखा हुआ है इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि परहैप्स का मतलब हो गया संभवतः, मतलब संभावना की बात चल रही है, लेकिन जो सिद्धांत होता है उसमें संभावना नहीं होती है, वो एकदम फिक्स होता है, तो जब किसी सिद्धांत को यहाँ पर बताया जा रहा है उसमें परहैप्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि परहैप्स का मतलब होता है संभावना से रिलेटेड होता है, लेकिन जो सिद्धांत होता है वो उसमें संभावना नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परहैप्स का यूज नहीं होगा, परहैप्स जो है यहाँ पर कट जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पर एरर के। इमेजिन द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इट विल स्टीडिली एंड प्रिपरेचुअली इन्फ्यूज ऑन द व्यूअर्स माइंडसेट। तो इसमें आपको बताना है क्या एरर है, तो ये आपका नो एरर है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस आपका नो एरर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वी विल नॉट वांट आर किड्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई सच टीवी सीरियल्स, इसमें आपको बताना है क्या एरर है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा डी पार्ट में, यानी नो एरर। यानी देखिए इसमें यहाँ पर एक चांसेस थे कि यहाँ पर इसमें एरर हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि सच प्लस ए प्लस नाउन, अगर सच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है तो उसके बीच में ए आर्टिकल डेफिनेट आएगा, मतलब ए आर्टिकल का यूज जरूर होगा उसमें, लेकिन अगर सच के बाद प्लूरल नाउन दिया हुआ हो तो उसके बीच में फिर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल नाउन दिया हुआ है सीरियल्स, तो इसलिए सच और सीरियल यानी सच और सीरियल्स के बीच में नाउन का यूज नहीं किया गया, सॉरी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है आपका सेंटेंस। ओके, अगर यहाँ पर किसी वजह से यहाँ पर सिंगुलर होता ये सीरियल्स, तब यहाँ पर आर्टिकल का यूज हमें जरूर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सीरियल्स जो है प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को देखते हैं। लिखा हुआ है ऑफ कोर्स सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बीच यहाँ पर आपको इम्प्रूव करके बताना है, यूजेस फॉर वाटर आर एट आर होम्स, तो इसमें आपको बताना है क्या इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा। देखिए यूज फॉर वाटर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यूज फॉर वाटर नहीं होता, यूज ऑफ वाटर होगा यहाँ पर, यूज के साथ ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ वाटर, जैसे आपने रूल भी पढ़े होंगे यूज ऑफ टू, है ना,
यूज ऑफ लिटिल, यूज ऑफ फ्यू, मतलब ये आपने पढ़ा होगा, तो यूज के साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, यूज ऑफ वाटर यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर एंजॉइंग द थ्रिल, और आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में ऑफ द मिड वीक हॉलीडे बट आई एम हेयर टू चेंज दैट, इसमें आपको बताना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर ऑफ द मिड वीक हॉलीडे, तो मिड वीक हॉलीडे जो है एक ये डेफिनेट जो है समय नहीं है, जबकि द का यूज जो करते हैं वो डेफिनेट चीज़ों के लिए करते हैं, तो यहाँ पर द मिड वीक हॉलीडे जो लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि द का यूज जो है किसी भी चीज़ को निश्चित बनाने के लिए या कोई चीज़ निश्चित हो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिड वीक हॉलीडे लिखा हुआ है जो कि निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर द का नहीं ए का यूज़ करेंगे, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑफ ए मिड वीक हॉलीडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आई वांटेड टू मेक सम इन्वेस्टमेंट्स विद द मनी बिफोर, यहाँ पर लिखा हुआ है इट रन्स आउट, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही रहेगा। देखिए इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से केवल और केवल इट रन्स आउट यहाँ पर सही है, ठीक है, इट रन्स आउट। आप सोच रहे हैं यहाँ पर पास्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रेजेंट में कैसे हो गया, तो यहाँ पर और ऑप्शन भी जो है सारे ऑप्शन जो है मतलब यहाँ पर कोई सा ऑप्शन फिट ही नहीं बैठ रहा पास्ट में भी। देखिए अगर आप पहले वाले ऑप्शन को उठाते हैं जो कि एक पास्ट में आप मान सकते हो, रन रेन रन, यानी या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये होता है ना रन रेन रन, ठीक है, मतलब रन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है रन, ठीक है, रेन होती है सेकेंड फॉर्म। अब अगर आप इसको थर्ड फॉर्म मान रहे हो तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं मान सकते, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज़ केवल और केवल बी की फॉर्म के बाद ही होता है, मतलब इज एम आर वाज वर या हैज हैव है, मतलब बी की थर्ड फॉर्म बी के बाद, या फिर हैज हैव और हैड इनके बाद होता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ना तो हैज है ना हैव है और ना ही हैड है और ना ही बी की कोई फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पर क्या है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इट के बाद रन का प्रयोग नहीं होगा, रन्स आएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज करेंगे प्रेजेंट में, ठीक है, अगर पास्ट में होता तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती, तो और इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन जो कट मतलब फिट नहीं बैठ रहे, यहाँ पर नो एरर आपका सही है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इट के बाद यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। आगे यहाँ पर द न्यूज़पेपर्स एडिशंस दे दैट डे रिपोर्टर रिपोर्टेड ओवर ए रेंज ऑफ इवेंट्स, तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर भी क्या है हमारा डी है, नो इम्प्रूवमेंट, रिपोर्टेड ओवर ए रेंज ऑफ इवेंट्स यहाँ पर सही लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है दे हैव कंटिन्यू टू पुट डाउन स्टाफ पे विच हैज रिजल्टेड इन स्टाफ रिसीविंग रियल टर्म्स पे कट इन रिसेंट ईयर्स, तो इसमें जो आंसर है आपका वो बताना है आपको, पुट डाउन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, इस पे यूज होगा होल्ड डाउन, होल्ड डाउन का मतलब होता है किसी चीज को मतलब कम कर देना या फिर किसी चीज को रोक कर चलना, ठीक है, होल्ड डाउन, तो यहाँ पर होल्ड डाउन का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं द फिल्म फेयर अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड, और ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है एनुअल एवरी ईयर बाय द टाइम और ग्रुप, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप बाय द टाइम्स ग्रुप, ठीक है, इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंटेड और वर्ब की हमें विशेषता बतानी है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो एनुअल एवरी ईयर का के स्थान पर हो जाएगा एनुअली, एनुअली का मतलब होता है वार्षिक, ठीक है, तो इसके साथ एवरी ईयर लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ही होता है वार्षिकी, तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बिफोर गिविंग हर पेरेंट्स द शॉक ऑफ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है दियर लाइफ इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कन्विंस हर सेल्फ फॉर दैट स्टेप, इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहेगा।
देखिए डियर लिखा हुआ है, मतलब पेरेंट्स की बात चल रही है और इनकी लाइफ के बारे में बात चल रही है। अब पेरेंट्स मतलब डियर प्लूरल है, तो यहाँ पर लाइफ भी तो प्लूरल आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल बात चल रही है यहाँ पर, पेरेंट्स की बात चल रही है, पेरेंट्स के जीवन की, तो उस हिसाब से यहाँ पर लाइफ के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर लाइव्स, लाइव्स होता है प्लूरल लाइफ का, ठीक है, लाइफ का प्लूरल क्या होता है, लाइव्स होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है जैसे इवन द यूनिवर्स, और लिखा हुआ है ब्रैकेट में यहां पर फेल्स इन लव विद ए स्टबर्न हार्ट। तो इसमें आपको आंसर बताना है, फेल इन लव, फेल इन लव नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉल्स इन लव, यानी प्यार में पड़ जाना, ठीक है, फॉल्स इन लव होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इफ आई हैड लॉस्ट फेथ अबव माई सेल्फ आई वुड नॉट बी वॉट आई एम नाउ। इसमें आपको बताना है, देखिए फेथ के साथ प्रपोजिशन इनका यूज करते हैं, किसका, इनका, फेथ के साथ इनका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, यानी फेथ इन। आगे यहां पर हाउएवर इट विल नॉट बी easier found a successor given the hostile environment। तो इसमें आपको आंसर बताना है क्या रहेगा, देखिए easier found a, easier यहां पर लिखा हुआ है यानी comparative degree, और आगे than का यूज नहीं किया गया है, मतलब comparative degree यहां पर नहीं आएगी, तुलना की कोई बात नहीं चल रही, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा easy to find, आपने मतलब easy के साथ to का यूज करते हैं और इजी टू फाइंड यहां पर हो जाएगा आंसर। ओके, आगे यहां पर लिखे हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो पांच ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहां पर 121 नंबर पर लिखा हुआ है मिलिटन वाज डैश देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें आपको बताना है, देखिए यहां पर आप फोकस करेंगे देन पर, आगे लिखा हुआ है देन, तो देन का यूज कब करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, और कंपैरेटिव डिग्री इसमें एक ही है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर, ग्रेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें ईआर लगा हुआ है, और चूंकि यहां पर देन का यूज हुआ है तो इससे पहले क्या आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज द डिजायर ऑफ डैश टूरिस्ट टू विजिट द रेड फोर्ट। इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहेगा, देखिए यहां पर आप फोकस करेंगे टूरिस्ट पे, टूरिस्ट यहां पर सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, सम का यूज नहीं होगा, ऑल का यूज नहीं होगा, ईच का यूज, ईच या एवरी, अब देखिए दो की बात चल रही होती तो ईच का यूज, सम का और ऑल का यूज तो यहां पर होगा नहीं क्योंकि इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, अगर काउंटेबल नाउन होगा तो। अब बात करते हैं ईच और एवरी की, तो टूरिस्ट की बात चल रही है यहाँ पर, टूरिस्ट, दो टूरिस्ट की बात चल रही है या बहुत सारे की, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि दो जब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो एवरी का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में दो लिख करके दे देता यानी टू आ जाता कहीं पर भी तब यहाँ पर हम यूज करते हैं ईच का, लेकिन दो से अधिक की बात चल रही है, ऑब्वियसली बात है सभी टूरिस्ट की बात चल रही है, तो एवरी का यूज यहां पर करेंगे न कि ईच का। आगे देखते हैं यहां पर ताजमहल इज वन ऑफ डैश ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहेगा, देखिए ग्रेटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ श्रुति हैड वर्कड हार्ड शी डैश गोट द जॉब। इसमें आपको आंसर बताना है, इफ श्रुति, देखिए इफ यानी एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस यानी ये एक संभावना वाले मतलब अनुमान इसमें लगाया जाता है कि अगर ऐसा मतलब यदि मैं ऐसा होता यदि वो वैसा होता, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो आपको ध्यान रखना है कि जो इफ क्लोज वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, जो इफ से स्टार्ट होता है, अगर उसमें आपको हैड का यूज मिले, वर्ब मतलब हैड का यूज किया गया हो, तो
तो आगे वुड हैव का पेयर जो है बनेगा इसका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बी का यूज, सॉरी वुड हैव यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैड का यूज किया गया है। और अगर यहाँ पर वर का यूज किया जाता और उसमें हमेशा मतलब सिंगुलर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमेशा वर का ही यूज करते हैं, वास का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में या तो आपको वर मिलेगा या फिर हैड मिलेगा। अगर वर का यूज हुआ है तो आगे क्या होगा, वुड का यूज, ठीक है। लेकिन अगर हैड का यूज किया गया हो इसमें तो आगे आपको वुड हैव का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर हैड लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, इसलिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, वुड हैव का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कपिल डैश टू सिनेमा एवरी मंडे इवनिंग, एवरी मंडे इवनिंग। देखिए प्रत्येक मंडे इवनिंग यानी डेली रूटीन, मतलब डेली रूटीन की बात चल रही है यहाँ पर, एवरी मंडे इवनिंग यानी रूटीन की बात चल रही है कहीं ना कहीं यहाँ पर। और जब भी किसी रूटीन की बात चले तो उस सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे गो में एस आई एस का यूज़ करना पड़ेगा, चूँकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है कुछ सिनोनियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन आपको सिनोनियम के मिलेंगे। तो यहाँ पर सिनोनियम देखते हैं, पहला शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लिश। ब्लिश का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है, उस सेंस में हम यूज करते हैं ब्लिश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूफोरिया, ठीक है, मतलब कल्याण का भाव, आशीर्वाद उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं यूफोरिया को। नेक्स्ट है टार्निश। टार्निश का मतलब होता है कलंकित, यानी मतलब दाग लगा देना, कलंकित कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब भी क्या होता है, धब्बा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है दबाना, प्रेस करना किसी चीज को, दबा करके मतलब उसको सप्रेस कर देना, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट करना। तो अप्रेस्ड यहां पर आंसर हो जाएगा, दबाना। नेक्स्ट है करटेल। करटेल का मतलब होता है कम करना, काट करके किसी चीज को छोटा करना, उस सेंस में हम यूज करते हैं करटेल का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट है जेंटिल। जेंटिल का मतलब होता है विनम्र या फिर कुलीन, इस सेंस में हम यूज करते हैं, और इसका आंसर होगा यहाँ पर ए यानी कॉर्टियस। तो ये 5 सिनोनिम थे। आगे देखते हैं 5 एंटोनियम। एलियोर। एलियोर का मतलब होता है लुभाना, मतलब किसी को मोहना, लुभाना, उसको बोलते हैं एलियोर। और इसका एंटोनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी रिपेल करना, मतलब किसी का विरोध करना, किसी से दूर रहना, उस सेंस में हम यूज करते हैं रिपेल का। तो एंटोनियम हो जाएगा इसका रिपेल। नेक्स्ट है एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब होता है किसी काम में दक्ष होना, निपुण होना, कलाकार होना, मतलब स्किलफुल होना किसी काम में, उसको बोलते हैं एड्रोइट। और इसके एंटोनियम की अगर बात करूँ तो हो जाएगा क्लमजी, मतलब एकदम, मतलब जिसको कुछ आता है ना हो, जिसको कोई स्किल नहीं आती, उसको बोलते हैं क्लमजी। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी की निंदा करना, उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट करना। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, किसी की तारीफ करना, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेज करना। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है सहमति से, यानी सहमत हो जाना किसी बात पर या किसी भी चीज को लेकर के, उसको बोलते हैं कंसीड। और ऑप्शन नंबर बी इसका एंटोनियम हो जाएगा, यानी रिजेक्ट करना। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र यानी साफ सुथरा, प्योर, चेस्ट। और एंटोनियम की अगर बात करें तो हो जाएगा लस्टफुल, ठीक है। तो ये थे आपके 5 एंटोनियम। आगे लिखे हुए यहाँ पर 5 idioms और लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है स्टैंड वंस ग्राउंड। स्टैंड वंस ग्राउंड इसका जो आंसर हो जाएगा टू मेंटेन वंस पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को मेंटेन बनाए रखना, ठीक है। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट है वॉच वंस स्टेप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वार्निंग समवन टू वॉक और एक्ट केयरफुली, यानी किसी को मतलब वार्निंग देना, वॉक और एक्ट केयरफुली यानी चलने या फिर काम करने की ध्यानपूर्वक। तो
इस सेंस में हम यूज करते हैं इस idioms का। नेक्स्ट है गिव वन सेल्फ एयर्स, गिव वन सेल्फ एयर्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टू एक्ट बेटर देन वन रियली इज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहां पर मैक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेस्ट करना, यानी फिजूल खर्ची करना, यानी धन बर्बाद करना, उस सेंस में हम यूज करते हैं इस idioms का मैक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, बहुत ज्यादा खर्च करना। बी एन ओपन बुक, बी एन ओपन बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी जिसको समझना आसान हो, जिसके बारे में कोई भी बात छुपी हुई ना हो, जिसको समझना आसान हो, तो ये आपके पांच idioms हो जाते हैं।